नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने से समृद्धि के खुलने की भावना काफी बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इससे पूरा साथ निभाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उनका भी सपना रहा है। शहरी विकास मंत्री रहते हुए शिंदे ने समृद्धि का कई बार दौरा किया है और कई तारीखें भी दे चुके हैं। उन्हें समृद्धि के कण कण की जानकारी है और वो जानते हैं कि इसे शुरू करना कितना महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए उन्होंने समृद्धि को जल्द चालू करने का संकेत भी दिया है। 701 किलोमीटर के पूर्ण प्रोजेक्ट में से 500 किलोमीटर का पैच लगभग तैयार हो चुका है। 500 किलोमीटर मार्ग खुलने का सीधा मतलब ये है कि लोग यहाँ से शिरडी तक समृद्धि से आ जा सकेंगे। एकनाथ शिंदे ने पहले जनवरी फिर मार्च में इसे शुरू करने का आश्वासन दिया था। इसके बाद 2 मई का मुहूर्त भी निकल चुका था, लेकिन निर्माण कार्य के ढह जाने के बाद उसे टाल दिया गया है। क्षेत्र की जनता की अपेक्षा है कि कम से कम अब 15 अगस्त तक इस महामार्ग को खोल दिया जाना चाहिए। नागपुर से शिरडी के बीच अब कोई भी रोड नहीं बचा है। जैसे जैसे कोरोना की टेस्टिंग बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे संक्रमितों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अब तो स्थिति यह है कि हर रोज 50 से अधिक ही पॉजिटिव हो रहे हैं। हालांकि गंभीर मरीज कम ही है और मौत भी नहीं हुई। इसके बावजूद सावधानी और सतर्कता बेहद जरूरी हो गई है। इस बीच 24 घंटे के भीतर जिले में 80 नए पॉजिटिव मिले। इनमें अकेले सिटी में 61 कोरोना संक्रमितों का समावेश है। अब हर दिन संक्रमित बढ़ते ही जा रहे हैं। इससे साफ हो गया है कि कोरोना एक बार फिर अपनी चेन को बढ़ा रहा है। 2 से 3 दिन बाद आंकड़ा डबल हो रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस माह में संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ सकती है। इस हालत पर नियंत्रण हेतु उपाय योजना आवश्यक हो गई है। भले ही मास्क की सख्ती ना हो, लेकिन लोगों को भीड़ वाली जगहों पर मास्क का उपयोग करना ही चाहिए। 24 घंटे के भीतर जिले में कुल 2116 नमूनों की जांच की गई। सिटी में 61 और ग्रामीण में 19 संक्रमित मिले। अब एक्टिव केसेस 459 हो गए हैं। इनमें 446 होम आइसोलेशन में रहकर उपचार कर रहे हैं, जबकि 13 मरीज विविध अस्पतालों में भर्ती है। कामठी नगर परिषद में आम चुनाव को लेकर निर्धारित की गई प्रभाग रचना और आरक्षण को चुनौती देते हुए कुणाल इमने ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका पर लंबी बहस के बाद न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश उर्मिला जोशी ने प्रभाग रचना और आरक्षण में किसी तरह की अनियमितता नहीं होने का हवाला देते हुए याचिका ठुकरा दी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिकारी एस जिया काजी, राज्य चुनाव आयोग की ओर से अधिकारी जैमिन कासर, सरकार की ओर से सहायक सहकारी वकील निवेदिता मेहता और नगर परिषद की ओर से अधिकारी महेश धात्रक ने पैरवी की। उल्लेखनीय है कि कामठी नगर परिषद में वर्ष 2022 के आम चुनाव के लिए प्रभाग रचना का अंतिम प्रारूप घोषित किया गया, जिसमें विशेष रूप से वार्ड क्रमांक 2 की रचना को लेकर चुनौती दी गई। याचिकाकर्ता का मानना था कि वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वार्ड क्रमांक 2 में अनुसूचित जाति के 4734 और अनुसूचित जनजाति के 578 मतदाता थे। प्रभाग रचना प्रारूप पर आपत्ति जताई गई थी, किंतु कामठी नगर परिषद के मुख्य अधिकारी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। आपत्ति और सुझावों के बाद वार्ड क्रमांक 2 में परिवर्तन कर दिया गया। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा ली जा रही ग्रीष्म सत्र परीक्षा में हर दिन गड़बड़ी सामने आ रही है। इसके बावजूद उपकुलपति ने तो कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और न ही परीक्षाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। यही वजह है कि पेपर शुरू होने से पहले ही छात्रों को प्रश्नों के बारे में जानकारी मिल रही है। शुक्रवार को एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 विषयों के पेपर लीक हो गए। इस घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। साथ ही कॉलेजों द्वारा ली जा रही परीक्षा की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो गए। दरअसल पेपर शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विश्वविद्यालय को जानकारी मिलते ही अधिकारी तुरंत पहुंचे। सुबह 9:30 बजे होने वाला पेपर रद्द कर दोपहर 12:30 बजे लिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय की ओर से अधिकृत रूप से जानकारी नहीं दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को अभियांत्रिकी के विविध विषयों की परीक्षा थी। प्रियदर्शनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय में 10 विषयों की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से होनी थी, लेकिन सुबह 9:00 बजे ही पेपर लीक होने के साथ वायरल हो गया। वरिष्ठ पत्रकार भागवत लांडगे की राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी पद पर नियुक्ति की गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णा साहब कटारे ने यह नियुक्ति की। इस नियुक्ति पर राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने लांडगे को बधाई दी और आगे के कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी है। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार और अमर स्वरूप फाउंडेशन द्वारा शुक्रवार को इतवारी भाजी मंडी स्थित श्री मुनि सुव्रतनाथ स्वामी
श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपगश्च संघ में प्लास्टिक मुक्त नागपुर अभियान का शुभारंभ हुआ। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन भी, राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे, अमर स्वरूप फाउंडेशन के विश्वस्त मनीष मेहता, भूपेंद्र शाह, पुलक मंच परिवार के अध्यक्ष शरद मचाले मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी ने कहा कि शहर के प्रत्येक नागरिक ने संकल्प करना चाहिए कि सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना किया जाए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद घातक है। पुलक मंच परिवार और अमर स्वरूप फाउंडेशन के कार्यों की जानकारी प्राप्त हुई तो मुझे बहुत खुशी हुई। आज के शुभारंभ के अवसर पर हम सबसे पहले इतवारी को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। प्लास्टिक मुक्त करने के बाद हमें आगे आना चाहिए। NDS की टीम आपके साथ रहेगी। आभा पांडे, मनीष मेहता ने विचार व्यक्त किए। इतवारी भाजी मंडी में मनपा आयुक्त राधाकृष्णन भी, आभा पांडे, मनीष मेहता, शरद मचाले आदि अधिकारियों ने सब्जी वालों से प्लास्टिक थैलियां लेकर कपड़े की नई थैलियां निःशुल्क वितरित की। पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड ने बताया कि हम कपड़े की थैलियां सब्जी बाजार में निःशुल्क वितरित करेंगे। क्षेत्रीय जैविक तथा प्राकृतिक खेती केंद्र नागपुर में राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रथम तिमाही की राजभाषा कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आरंभ परिसर में पौधारोपण के साथ किया गया। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर A.S. राजपूत ने कहा कि राजभाषा हिंदी में कामकाज हमारा संवैधानिक दायित्व है, तो पर्यावरण की रक्षा भी हमारा परम नैतिक दायित्व है। यदि धरती पर जीवन सुखी होगा तो हर गतिविधि आसान होगी। इसलिए अब से हर हिंदी कार्यशाला के अवसर पर एक पौधा रोपा जाएगा, जिससे हिंदुस्तान में हिंदी और हरियाली दूर दूर तक फैलेगी। कार्यशाला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी डॉक्टर जयप्रकाश अतिथि व्याख्याता के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करते हुए बताया कि संघ की राजभाषा सभी भारतीय भाषाओं को प्रतिनिधित्व का समान अवसर प्रदान करती है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 351 में की गई है। कृषि वैज्ञानिकों एवं कर्मियों ने राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमावली, राजभाषा संकल्प एवं वार्षिक कार्यक्रम पर विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन प्राप्त किया। केंद्र की राजभाषा अधिकारी डॉक्टर पूजा कनौजिया ने वार्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य प्राप्त करते हुए अधिक से अधिक काम हिंदी भाषा में करने की अपील की। मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे, नागपुर मंडल अपर रेल प्रबंधक जय सिंह एवं आशुतोष पांडे वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के साथ मंडल कार्यालय नागपुर से बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ऐसे ही बाइक रैली को पुणे और भुसावल मंडलों ने झंडी दिखाकर मुंबई के लिए रवाना किया। ये सभी बाइक रैली मुंबई में जुटेंगी और आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 2022 को नई दिल्ली को पहुंच जाएंगी। बाइक रैली के माध्यम से नागपुर मंडल में लोगों को रेलवे के प्रति जागरूक करना, जिसके वर्तमान में RPF के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं के मध्य में वीडियो वॉल डिस्प्ले लगाकर RPF के द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को दिखाया जा रहा है। उक्त रैली के माध्यम में से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, यात्रा के दौरान अनावश्यक रूप से नहीं किया गया। ACP होने के कारण कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसमें जानो माल की काफी हानि हो सकती है। साथ ही अनावश्यक रूप से ACP करना रेल अधिनियम की धारा 141 के तहत दंडनीय अपराध है। उक्त रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। पूर्व नागपुर विधायक कृष्णा खोपड़े के मार्गदर्शन में समाज सेवक व भाजपा पूर्व नागपुर प्रसिद्धि प्रमुख मनोज अग्रवाल की अगुवाई में सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कोचर, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, अशोक सावरकर ने आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी, प्रभारी सहायक निदेशक व संस्थान के सहायक डॉक्टर शेखर नंबूरी, डॉक्टर वनमाला व अन्य डॉक्टर टीम का पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया एवं शुभकामनाएं दी। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लेकर अभी तक इस संस्थान के डॉक्टर टीम, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ने लोगों की बहुत अच्छी सेवा दी है और आज भी इस संस्थान द्वारा जगह जगह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोगों को समय पर ही सही उपचार और औषधि मिलती है। आशीष मर्जीवे, मधुसूदन सारडा, रमाकांत सारडा, पवन जजोदिया, उमेश वाघमारे, वसंत पाचनानी, सुनील माखेजा आदि ने भी सभी डॉक्टर को शुभकामनाएं दी। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है। इसलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण किया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है।
राज्य सरकार की ओर से हाल ही में एक परिपत्र निकालकर ग्राम पंचायत अंतर्गत आने वाले स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल ग्राम विकास विभाग निधि से खर्च करने की सूचना दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय का सरपंच संगठना ने पक्ष लेते हुए मांग की है कि स्ट्रीट लाइट के बिल का भुगतान ग्राम विकास विभाग ने करना चाहिए। इस आशय का ज्ञापन पूर्व पालक मंत्री व MLC चंद्रशेखर बावनकुले एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी फुटाने व खंड विकास अधिकारी अंशुजा गराटे को दिया गया है। ज्ञापन सौंपते समय कामठी पंचायत समिति सभापति उमेश भगवंतराव रड़के, जिला परिषद सदस्य नाना कंभाले, सरपंच संगठना की अध्यक्षा प्रांजल वाग, कामठी तालुका अध्यक्ष व खैरी ग्राम पंचायत सरपंच बंडू उर्फ मोरेश्वर कापसे, खसाड़ा सरपंच रवि पारधी, सोनेगांव राजा सरपंच चंदू हेवट, जाखेगांव सरपंच राजू आखरे, भिलगांव सरपंच शीतल पाटिल, लोनखेरी सरपंच लीलाधर भोयर, बड़ौदा सरपंच वनिता इंगोले आदि मौजूद थे। हरित क्रांति के प्रणेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव फुलसिंह नाइक की जयंती शुक्रवार को सदर स्थित नागपुर सुधार प्रन्यास के मुख्यालय में मनाई गई। नागपुर सुधार प्रन्यास के सभापति तथा नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के महानगर आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी के हाथों स्वर्गीय वसंतराव नाइक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विनम्र अभिवादन किया गया। इस अवसर पर नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के अपर आयुक्त अविनाश कातड़े, नागपुर सुधार प्रन्यास के महाव्यवस्थापक निशिकांत सुके, नगर रचना विभाग के सहसंचालक RD लांडे, अधीक्षक अभियंता प्रशांत भांडारकर, कार्यकारी अभियंता मेघराजानी, कार्यकारी अधिकारी अनिल राठौर, सहायक अभियंता झोड़े, आस्थापना अधिकारी तथा मुख्य प्रशासकीय अधिकारी योगिराज अवधूत सहित नागपुर सुधार प्रन्यास व नागपुर महानगर विकास प्राधिकरण के अन्य अधिकारी तथा कर्मचारीगण उपस्थित थे। हरित क्रांति के प्रणेता एवं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को मनपा मुख्यालय के प्रशासनिक भवन में स्वर्गीय वसंतराव नाइक की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीणा, अपर आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त निर्भय जैन ने पुष्पांजलि अर्पित कर उनका विनम्र अभिवादन किया। इस अवसर पर सहायक आयुक्त महेश धमेजा, लक्ष्मीनगर जोन के सहायक आयुक्त गणेश राठौड़, डॉक्टर विजय जोशी, जनसंपर्क अधिकारी मनीष सोनी, अविनाश जाधव, राजेश वासनिक, अनिल चौहान आदि मान्यवर उपस्थित थे। मुंबई में शुक्रवार को उपमुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद देवेंद्र फडणवीस से पूर्व नागपुर के विधायक कृष्णा खोपड़े एवं मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान कृष्णा खोपड़े ने उनसे OBC आरक्षण के संबंध में चर्चा की। इस चर्चा के संबंध में जानकारी देते हुए विधायक कृष्णा खोपड़े ने बताया कि उपमुख्यमंत्री फडणवीस ने OBC आरक्षण के संबंध में परीक्षण कर निश्चित रूप से कोई मार्ग निकालने का आश्वासन दिया है। इस पर खोपड़े ने अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि जब तक OBC आरक्षण नहीं हो जाता तब तक चुनाव नहीं होने चाहिए। खोपड़े ने विश्वास व्यक्त किया कि पिछली सरकार ने जो गलतियां की उन्हें सुधार के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निश्चित रूप से सकारात्मक मार्ग निकालेंगे और सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 1,962 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,70,000 रुपयों का जुर्माना वसूला। इसी तरह जुआ अधिनियम के अंतर्गत 3 मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5,000 रुपयों का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 1 मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 27,000 रुपये का सामान जब्त किया गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। लायंस क्लब ऑफ नागपुर द्वारा शुक्रवार को डॉक्टर डे के अवसर पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में काम करने वाले डॉक्टरों का सत्कार जिला परिषद के सभागृह में किया गया। जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर कमल किशोर फुटाने तथा लायंस के जोनल चेयरपर्सन आशीष धांडे की प्रमुख उपस्थिति में डॉक्टर स्मिता काकड़े, डॉक्टर मंगेश रामटेके, डॉक्टर प्राजक्ता गुप्ता, डॉक्टर नरेश चंद्र मरकाम, डॉक्टर दीप्ति पुसदेकर, डॉक्टर अरविंद खोबरागड़े, डॉक्टर राजकुमार कोसे के साथ जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक सेलोकर एवं डॉक्टर कमल किशोर फुटाने का शॉल एवं सम्मान पत्र देकर सत्कार किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब नागपुर के अध्यक्ष उमेश महतो, सचिव नितिन वर्मा, कोषाध्यक्ष विनीत सोंदी, राजेश जिंदल, विनोद गुप्ता, रविंदर खुराना, निधीश सावरकर, डॉक्टर साईनाथ भोवरे, डॉक्टर मोटे एवं जिला परिषद स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर महेश तिवारी ने किया। शहर के सामाजिक संस्था समर्पण सेवा समिति द्वारा डॉक्टर डे एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट डे पर नगर के डॉक्टरों एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संस्था के अध्यक्ष पूर्व विधायक गिरीश व्यास के जनसंपर्क कार्यालय में सम्मानित किया गया।
सत्कार मूर्ति सीए नरेश जाकोटिया, सीए शरद थवली, डॉक्टर सुरेश चांडक, डॉक्टर हरीश राजगिरे, डॉक्टर अजय नाकाड़े, डॉक्टर सुनीता मिगलानी, डॉक्टर प्रियंका पुरोहित, डॉक्टर नकुल चांडक, डॉक्टर शिरीश चांडक, इन सभी डॉक्टरों एवं सीए का सत्कार संस्था द्वारा किया गया। इस अवसर पर गिरीश व्यास ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में सीए का बहुत बड़ा योगदान है एवं भगवान के बाद अगर धरती पर भगवान का दर्जा किसी को दिया गया है तो वो है डॉक्टर। ऐसे डॉक्टरों एवं सीए का आज हमारी संस्था को सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यह हमारी संस्था के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर मुख्य रूप से संस्था के पालक रमेश जसोरे, डॉक्टर महेश तिवारी, कार्याध्यक्ष सतीश जैन, पूर्व नगर सेवक हितेश जोशी, सचिव नरेश जुम्मानी, उमेश महतो, मनोज तिवारी, किशोर पाटिल, किशोर भैया, राजेश जिंदल, रजनीश जैन, महेंद्र गुप्ता आदि कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच संचालन नरेश जुम्मानी एवं आभार प्रदर्शन उमेश महतो ने किया। नागपुर की प्रसिद्ध फुटाला झील में संगीत का फवारा नागपुर के इतिहास पर प्रकाश डालेगा। इस इतिहास के हिंदी में कमेंट्री अमिताभ बच्चन की आवाज में होगी और मराठी में कमेंट्री नाना पाटेकर की आवाज में होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि फवारा देखने के लिए फुटाला झील के पास 400 सीटों की क्षमता वाली एक व्यूअर्स गैलरी स्थापित की जाएगी और 1100 वाहनों की पार्किंग सुविधा के साथ साथ फुटाला के बगल में 12 मंजिला फूड प्लाजा भी स्थापित किया जाएगा। गडकरी फुटाला म्यूजिकल फाउंटेन और लाइट शो परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर भाषण दे रहे थे। उन्होंने ये भी बताया कि पंजाब राव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय सड़क कोष से 30 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और फूलों की विविधता को बढ़ाने के लिए देश विदेश से लाए गए फूलों को निकटवर्तीय यूनिवर्सिटी पार्क में लगाया जाएगा। गडकरी ने फाउंटेन के निर्माण के लिए नागपुर सुधार प्रन्यास, महामेट्रो और ठेकेदारों का भी आभार माना। इस अवसर पर मौजूद तमिल फिल्म उद्योग की गायिका रेवती ने भी परियोजना की संगीत योजना के बारे में जानकारी दी और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। स्वच्छ भारत अभियान के तहत नागपुर महानगर पालिका की एनडीएस टीम ने 1 जुलाई को 13 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 75,000 रुपयों का जुर्माना वसूला है। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ धंतोली, नेहरू नगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा, आशीनगर और मंगलवारी जोन में विविध प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए पहले दिन मनपा ने 55,000 रुपयों का जुर्माना वसूल किया है। प्लास्टिक पर प्रतिबंध की पृष्ठभूमि में मनपा अब तक 93 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई कर 4,80,000 रुपयों का जुर्माना वसूल कर चुकी है। धंतोली जोन के तहत मानेवाड़ा रोड स्थित नवदुर्गा साड़ी सेंटर और पुराने बाबुलखेड़ा स्थित पद्मावती किराना स्टोर पर प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर 10,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। नेहरू नगर जोन के ज्ञानेश्वर नगर में गजानन डेली नीड्स पर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल करने पर 5,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया। गांधीबाग जोन के अंतर्गत प्लास्टिक बैग के उपयोग करने पर नंगा पुतला चौक, गांधीबाग में बोड़े फूड स्टोर, शहीद चौक, इतवारी में विकास कपड़ा दुकान और हुडिया ट्रेडर्स पर 15,000 रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। मनपा आयुक्त एवं प्रशासक राधाकृष्णन बी द्वारा नागरिकों की मूलभूत शिकायतों के संबंध में दिए गए निर्देशानुसार जिला स्तर पर नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहले ये कोरोना नियंत्रण कक्षा हुआ करते थे। इन केंद्रों को नागरिकों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और गुरुवार तक जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्रों में 597 शिकायतें प्राप्त हुई है और अब तक 10 जोन में 423 शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। सीवेज, पानी, स्वच्छता और स्ट्रीट लाइट के बारे में शिकायतें दर्ज करने के लिए एक नागरिक समस्या समाधान केंद्र स्थापित किया गया है। इसका लाभ आज नागरिक उठा रहे हैं। प्रत्येक जोन में नागरिक समस्या समाधान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक खुला रहता है और मानसून की शुरुआत के बाद यह सेल 24 घंटे चालू रहेंगे। अब तक लक्ष्मीनगर जोन में प्राप्त 71 शिकायतों में से 41, धर्मपेट जोन में 58 में से 51, हनुमान नगर जोन में 229 में से 195, धंतोली जोन में 67 में से 36 तथा नेहरू नगर जोन में 41 में से 24 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।